मेव देखिए इस अलवर, भरतपुर, नूह और थोड़ा मथुरा में बसते हैं, जहां कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मैंने भी पूरा इतिहास निकलवाया जागाओं से कि भाई हमारा इतिहास क्या है। तो उस इतिहास में निकल के आया कि मेव तो राम और कृष्ण के वंशज है। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता, खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें सब लोग कि मेव क्या है और इन्हें मेवा समझे, इन्हें बार बार पिछड़े और ये वो कहने की किसी को जरूरत नहीं है। सभापति महोदय, आज मांग संख्या 21 और 22 पे मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद देना चाहूंगी। सबसे बड़ा धन्यवाद तो मैं मुख्यमंत्री जी को देना चाहूंगी, जिन्होंने पिछले 4 साल में शिक्षा के क्षेत्र में समस्त राजस्थान में ऐतिहासिक काम किए हैं। और मुझे लगता है हालांकि पिछली सरकार ने भी ऐतिहासिक काम तो किए थे जब इन्होंने हजारों की संख्या में स्कूलों को बंद कर दिया था, लेकिन इस बार हमारे मुख्यमंत्री ने बड़ा दिल रखते हुए, हालांकि इनके इलाकों में, इनकी विधानसभाओं में खूब स्कूल क्रमोन्नत भी किए, कॉलेज भी खोले हैं, लेकिन मैं सुबह से देख रही हूँ ये बुराई करने में लग रहे हैं, अंत में आपसे मांग भी रहे हैं। तो मैं मंत्री जी आपसे कहना चाहूंगी, ये गुर्रा भी रहे हैं और मांग भी रहे हैं, तो इनको इनकी बातों में ध्यान ना दें। मेवात के इलाके से आती हूँ तो सबसे ज्यादा बात मैं मेवात की करूंगी कि मेवात शैक्षिक, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से अन्य जिलों से कोसों दूर है। यहाँ शिक्षा का उजियाला करने के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार की दर्जनों योजना आई, लेकिन फिर भी यहाँ शिक्षा का स्तर उस हिसाब से नहीं बढ़ पाया जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए था। इसके पीछे अनेकों कारण रहे होंगे, लेकिन अध्यक्ष महोदय फिर भी शिक्षा को धरातल पे लाना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें कड़े परिश्रम करने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मेवात क्षेत्र में अलवर व भरतपुर में 16 मेवात आवासीय विद्यालय हैं, जिन्हें 11 आवासीय विद्यालय जो अलवर में थे उन्हें तो शुरुआत कर दिया गया था, लेकिन भरतपुर के स्कूलों को शुरू नहीं किया गया है। तो मैं तो आपसे मांग करूंगी कि इन स्कूलों को अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट को दिया जाए और इन स्कूलों को भी शुरू किया जाए। इसमें बहुत सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मेवात बोर्ड से दिया गया है, तो अच्छे स्कूल बन जाएंगे। और ये स्कूल, मुख्यमंत्री जी ने भी इनके लिए आश्वासन दिया था कि 8वीं के स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, इनको 12वीं कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक ये 12वीं नहीं हुए। मैं सदन के माध्यम से आपसे मांग करूंगी इन स्कूलों को 12वीं किया जाए, क्योंकि राजस्थान के समस्त गर्ल्स स्कूल, चाहे वो कस्तूरबा गांधी भी थे, 12th हो गए हैं, लेकिन हमारे मेवात के स्कूल अभी भी 8वीं है। तो ये सबसे पुरजोर डिमांड मैं इस बात की आपके सामने करती हूँ। मेवात की बात करें तो अध्यक्ष जी, मेवात को पिछड़ापन, बैकवर्ड इस तरह से जोड़ा जाता है। सांगानेर से एक विधायक आते हैं, वो भी कह रहे थे, कल मुझे कह रहे थे जब पुलिस पे डिमांड थी, कि विधायक जी क्राइम तो आपके यहाँ से शुरू होता है, आपके यहाँ ही खत्म होता है। मतलब उनका कहने का मतलब था कि मेवात में ही क्राइम होता है, आता कहाँ से, हरियाणा से आता है और वापस चला जाता है। जैसे अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले ही हरियाणा से लोग आए और हमारे दो जुनेद और नासिर को किडनैप करके ले गया और उनको जिंदा जला दिया। उन्होंने बिल्कुल सच्चाई बयान करी है, बिल्कुल सच्चाई बयान करी है उस विधायक ने, ऐसा हुआ है। और हमारे भोले भाले लोग कर दिया उनका अंतिम संस्कार, अगर इनके यहाँ कुछ हो जाता ना, ये तो 12 दिन तक नहीं करते और जाने क्या क्या मांगते, लेकिन हमारे भोले भाले लोग थे, उनको तो समझ नहीं थी, वो तो छोटा मोटा जो आश्वासन दिया उसमें हो गए। तो घाटमिका की घटना इस बात को दर्शाती है कि इलाका बहुत पिछड़ा हुआ है, तो लोगों का स्तर हमें बढ़ाना ही पड़ेगा, वरना तो वो लोग भी डिमांड करते ना कि 1 करोड़ भी दो, 2 सरकारी नौकरियां दो, क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि उनको इतनी समझ नहीं थी। तो मैं इस सदन के माध्यम से डिमांड करती हूँ, उन लोगों को वही सभी मिलना चाहिए जो उदयपुर में कन्हैया को मिला था, ये उनका अधिकार है। आदमी कोई भी मरे, जीवन का मूल्य सबका समान है इस देश में, इस लोकतंत्र में। आप इसमें भेदभाव नहीं कर सकते, आप डेवलपमेंट में तो भेदभाव कर सकते हो, लेकिन इस बारे में जो मौलिक अधिकार है लोगों के, उसमें आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये संविधान में लिखा हुआ है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा था। अब बात करें हम शिक्षा की, तो मैं कहना चाहूंगी कि राजस्थान में आपका कोटा एक ऐसा कोचिंग सेंटर बन गया है, एक रोल मॉडल बन गया है, और कोचिंग सेंटर्स हमारे भी अलवर में भी हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरे सामने जब 24 से अभी बोर्ड एग्जाम थे, तब कुछ बच्चों का फोन आया कि मैडम हमें हमारे प्रिंसिपल हॉल टिकट नहीं दे रहे। मैंने पूछा क्यों नहीं दे रहे, कह रहे मैडम हम कोचिंग सेंटर में जाते हैं, हमारी फीस तो कोचिंग सेंटर वाले ये स्कूल को देते हैं, फिर वो हमें हॉल टिकट देते हैं। फिर कोचिंग सेंटर वालों से पूछा, उन्होंने कहा हाँ मैडम हमने फीस जमा नहीं कराई है,
हम सब करा देंगे तो ये प्राइवेट स्कूल वाले प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे। मतलब ये टोटल माफिया है। वरना ऐसा क्या है इन कोचिंग सेंटर्स में जो सरकारी स्कूल्स में नहीं है? सरकारी स्कूल्स के टीचर्स अच्छे हैं, क्वालिफाइड है, और ये टीचर्स जाके कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाते हैं और वो बच्चों को मानसिक प्रताड़ना इनकी वजह से हो रही है, कोचिंग सेंटर्स और ये प्राइवेट स्कूल वालों से। प्राइवेट स्कूल वाले उनको पेपर्स पे एडमिशन देते हैं, उनकी अटेंडेंस नहीं होती। तो मैं तो आपसे कहना चाहूंगी कि प्राइवेट स्कूल्स में 11th और 12th में बायोमेट्रिक अटेंडेंस आप कराइए, ताकि ये बच्चे उसी स्कूल में जाएं और कोचिंग में ना जाएं, ताकि सच्चाई सबके सामने आए। हजारों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं प्राइवेट स्कूल और कोचिंग सेंटर, और बेचारे गरीब बच्चे तो जा नहीं सकते हैं तो वो रह जाते हैं, और इनका तो माफिया है, पेपर भी लीक होता है तो इनकी साठगांठ से ही होता है कोचिंग सेंटर से, ऐसे नहीं होता है। तो इस बात की मैं डिमांड करूंगी कि प्राइवेट स्कूल्स पे थोड़ी लगाम कसनी चाहिए, इतनी अधिक फीस भी ये वसूलते हैं और मनमाने काम भी ये करते हैं। अब मेरे इलाके की बात करूं तो बहुत से स्कूल मुख्यमंत्री जी ने दिए, कोई कमी नहीं छोड़ी है। स्कूल्स हों, चाहे कॉलेजेस हों, चाहे सब्जेक्ट्स हों, छप्पर फाड़ के दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो हमारे अभिभावक हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो मैं तो फिर मांगूंगी कि हमारे इलाके में एक चोरेटी उस्तमरार स्कूल है, उसको 12वीं किया जाए। एक मांडकी में है, बूजाका में है, ईसन के पास में, इन स्कूलों को भी 12th किया जाए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है अगर हमें मेवात का सो कॉल्ड पिछड़ापन दूर करना है तो। इसके अलावा साडोली में एक बालिका स्कूल है जिसको 12th किया आपने, लेकिन वहाँ जगह की कमी है, तो हमें नई जगह अलॉट करवाई है, तो उसके लिए पूरी बिल्डिंग का पैसा भी मैं चाहूंगी सरकार की तरफ से दिया जाए। इसके अलावा साइंस सब्जेक्ट्स खुलने हैं, बल्कि मैं तो कहूंगी सभी 12th के स्कूल्स आपने जो प्रमोन्नत किए हैं सभी में साइंस सब्जेक्ट भी होना चाहिए और आर्ट्स भी होना चाहिए, वरना गाँव में रहने वाले बच्चे बेचारे डॉक्टर इंजीनियर कैसे बनेंगे। तो सभी स्कूलों में साइंस हमारे यहाँ होना चाहिए, और बहुत से प्राइमरी स्कूल्स हैं जिनको ज़रूरत है आरटीई के अनुसार कि उनको 8वीं कर दिया जाए। और कॉलेज की बात करें तो मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि आपने 3 कॉलेजेस दिए हैं, फिर भी अगर एक पॉलिटेक्निक कॉलेज और आ जाए रामगढ़ में तो मुझे लगता है बहुत बड़ा काम हो जाएगा पूरे इलाके में। और जो रामगढ़ में कॉलेज है उसको राजकीय उच्च राजकीय कॉलेज बनाना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बनाना चाहिए, और कुछ सब्जेक्ट्स भी इसमें ऐड करने चाहिए। और महिला शिक्षा की बात करें सभापति जी, तो मुझे लगता है कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में तो महिला शिक्षा बहुत ही पीछे चल रही है, और शिक्षा में मुझे लगता है कि इसको जो संभाल रहे हैं वो पूरे पुरुषों के हाथ में है। तो मुझे लगता है इस डिपार्टमेंट में ज़्यादातर महिला ऑफिसर्स होनी चाहिए। हमारी बैठी हैं अर्पना अरोड़ा जी, इन्होंने पहले भी बहुत काम किया है, तो ऐसी IAS ऑफिसर्स अगर आप लगाएंगे शिक्षा विभाग में ज़्यादा से ज़्यादा तो मुझे लगता बहुत अच्छा काम होगा। बल्कि मैं तो यही कहूंगी कि स्कूल्स जो आपने 12th करा दिए तो हमें रूम्स मांगने की क्या जरूरत है? अगर आपने 12th का स्कूल कराया तो उसमें 12 कमरे होने चाहिए, अगर आपने 8वीं किया तो उसमें 8 कमरे होने चाहिए, और 5वीं है तो 5 कमरे होने चाहिए, और साइंस है तो लैब होना ही चाहिए। ये सारी चीजें मुझे लगता है मैनेजमेंट लेवल पे तय हो जानी चाहिए कि कहाँ किसकी जरूरत है और उसके अनुसार इनको बांट देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत काम किए, रोज बच्चों को दूध मिल रहा है, यूनिफॉर्म मिल रही है, 200 रुपए सिलाई के भी मिल रहे हैं। 200 रुपए के बारे में भी बहुत सारे MLA जिक्र कर रहे थे कि 200 रुपए में क्या होगा, कुछ तो होगा। ये भी बहुत बड़ी बात है कि कुछ तो होगा, कुछ दिया ही तो है, किसी से कुछ लिया तो नहीं है। लेकिन इसको जब नेगेटिव सोच होती है तो मुंह से भी सब बातें नेगेटिव ही निकलती है। और जो बात आई है इंग्लिश मीडियम की, बहुत बड़ा कदम है इंग्लिश मीडियम का। मुझे ध्यान है जब मैं पहली क्लास में थी तो मैं भरतपुर में थी, तो वहाँ तो अंग्रेजी भी हिंदी में पढ़ाते थे। फिर 5वीं क्लास में मैं साउथ इंडिया चली गई तो वहाँ हिंदी की मैडम कोई बस हिंदी आती थी। तो ये बहुत फर्क था, आज से मैं 40-45 साल पहले की बात बता रही हूँ। और यहाँ स्कूल्स में अब इंग्लिश आ रही है, तो मतलब हम काफ़ी ये मानो कि 50 साल पीछे चल रहे हैं इंग्लिश के मामले में। तो इस ये करके इस बार बहुत अच्छा किया है कि बच्चों को जो वंचित रह रहे थे, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं जा सकते थे, वो अब इंग्लिश का पढ़ने का उनको मौका मिलेगा। हालांकि टीचर्स की कमी है, सबकी कमी है, लेकिन एक दिन में सब कुछ नहीं सुधरता, इस बात को मैं समझती हूँ। लेकिन एक शुरुआत करी है, बहुत ही पॉजिटिव कदम है, और इसका बहुत पॉजिटिव असर हमारे स्टूडेंट्स में गया है, और सबने इसकी वाहवाही भी करी है। हालांकि थोड़ी स्टाफ की भी कमी हो सकती है, लेकिन अब टीचर की शिक्षकों की भर्ती हो रही है तो मुझे लगता है ये कमी भी दूर हो जाएगी, और पद खाली है इसीलिए भर्ती हो रही है।
पद तो बढ़ाते रहते हैं, स्कूल बढ़े तो पद भी बढ़ेंगे, खाली होंगे तो भर्ती होगी और नौजवान हमारे नौकरी में भी लगेंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि मेवात को पिछड़ेपन से ना जोड़ देखा जाए, जितना ज्यादा हो सके मेवात में विकास होना चाहिए। इसके लिए मेवात बोर्ड भी बनाया गया था जिसका बजट पिछली बार 25 करोड़ था, मुझे लगता है उसको कम से कम 100 करोड़ होना चाहिए। इस बार का सारा बजट स्कूल्स में लगा है, रूम्स में लगा है, पूरा 100% बजट उसमें लगा है। और तीन विधायक यहाँ मेवात से आते हैं, तीन विधायक आते हैं तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ बढ़िया इलाके में हमारे होना चाहिए ताकि लोगों को भी लगे कि हमने उनके लिए काम किया है। और मेव देखिए, इस अलवर, भरतपुर, नूह और थोड़ा मथुरा में बसते हैं जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। मैंने भी पूरा इतिहास निकलवाया जागाओं से कि भाई हमारा इतिहास क्या है, तो उस इतिहास में निकल के आया कि मेव तो राम और कृष्ण के वंशज है। चाहे धर्म का परिवर्तन हो गया हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन खून तो आदमी का नहीं बदलता, खून तो हम में राम और कृष्ण का ही है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें सब लोग कि मेव क्या है और इन्हें मेवा समझे। इन्हें बार बार पिछड़े और ये वो कहने की किसी को जरूरत नहीं है। अभी आप 10 साल में देखिएगा कि मेव कहाँ पहुंचे हुए। जब हम तीन विधायक यहाँ पहुंचे हुए तो आप सोचो हम कहाँ कहाँ आगे भी पहुंच जाएंगे। तो सभापति महोदय जी, मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ की उम्मीद हम आपसे करते हैं कि अब जब सीएम साहब यहाँ रिप्लाई बजट पास कराएंगे तो मेवात के क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट के काम की घोषणा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।